अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी आई मैथ 212 चैप्टर नंबर 9 और मैथ 123 का चैप्टर नंबर 13 जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट एच और के, ये दोनों पॉइंट्स हैं इसके, एंड रेडियस आर। इसका मतलब हुआ ये हमारे पास जो है हमने इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला लिखना है। इक्वेशन के लिए कौन सी टर्म यूज होगी, हमारे पास एक सर्कल है, एक मिनट रुकिएगा, सर्कल थोड़ा सा ठीक करके बना लेता हूँ, तो हो गया बस जैसा भी है। ये सर्कल का ये हमारा पॉइंट जो है ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, उसमें एक एच होता है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो के होती है, ठीक है। और इस सर्कल के सेंटर से अगर आप देखें तो इसके एक एंड तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। इस साइड से देख लें, लेफ्ट से या राइट से, जिस तरफ से मर्जी देख लें, तो यह रेडियस होता है। अब इस सर्कल के अंदर इक्वेशन बनानी है अगर आपने, तो आपकी इक्वेशन जो होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इस इक्वेशन के लिए जो यूज होगी वो मैं आपको लिखवा देता हूं। x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, और प्लस हमारे पास होता है y माइनस k का होल स्क्वायर और इक्वल टू r का होल स्क्वायर लिखा जाता है। ये वो इक्वेशन है जो इस सर्कल की होती है, जिसमें h और k और r आपको प्रोवाइड किया जाता है। हो गया, सेंटर इसके अंदर जो होता है वो आपका होता है यहाँ पर h और k की वैल्यू, और जो आपका रेडी होता है इसका, या रेडियस किस जिसको बोलते हैं, वो आपका आर जो होता है वो आर ही इसके इक्वली होता है, रेडियस जो होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्म का जो आपको याद रखना है। और इसको मैं चेक कर लेता हूँ, फिलहाल मैंने यहाँ पे पास्ट पेपर लगाए हैं तो ये 16 के फर्स्ट एनुअल में पेपर में आया भी हुआ है, और इसमें से काफी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और अगर आपको नजर आ रहे हो तो मार्क किए हुए हैं। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चार शॉर्ट क्वेश्चंस आपके, इसमें से चार या पार्ट पांच क्वेश्चन जो है ना वो चूज किए जा सकते हैं। 15 मार्क्स का पेपर आपका इस चैप्टर जो है वो 9 में भी से भी काउंट होता है। एक्स ये जो मैथ 212 के लिए बात कर रहा हूँ, अभी मैंने 123 के लिए चेक नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला ये समझ आ गया होगा। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज हो रहे हैं या सोल्व हो रहे हैं। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।